वाव, मुझ पर अटैक करता है। सॉरी ब्रदर, गलती से लग गई। ओके ब्रो, मैं भी तुझ पर अटैक करूंगा। ओके, किधर भाग रहे हो? रुको। सॉरी ब्रो, अब बाकियों की बारी। भागो। रुक जाओ। वाओ, मेरा वाला ग्रीन। वाओ। अरे मैं तो खेल भी नहीं रहा था। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे पापी। आईश, आईश, आईश। रुक जा। आईश, ये। अरे बचाओ, हवा में उड़कर कैसे बचाएं? रुक, रुक। वाओ, वाओ, लोलो आ गई, बच गया तू। हाय, मैं आया लोलो। ओए, 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 बच गया। अरे फेफे ट्रेन की तरह चल रहे हैं, कोई शक? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और सीटी भी नहीं मार रहे हैं। पैसेंजर नहीं है ट्रेन में, इसीलिए सीटी नहीं मार रहे हैं। तो खाली ट्रेन क्यों चला रहा है? Oh, no. चुप हो जा, वरना उस बास का गुस्सा तुझ पर निकाल दूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात? दिन दहाड़े चोर घुस रहा है। खन्ना साहब के शेर सुनकर अभी भाग जाएगा। खन्ना साहब ऑफिस गए होंगे, किटी अकेली होगी। चलो। हाँ? पकड़ो, बचना नहीं चाहिए। बचेगा नहीं तू। क्या कर रहे हो ये? तुझे पकड़ रहे हैं चोर, कोई शक? बेवकूफ, मैं किटी हूँ। किटी, ये मुंह पर कपड़ा क्यों लपेटा है? मुझे पिंपल हो गया है, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। वो रहा चोर। इस चोर को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। कांच के सामान की तरह टूट टूट कर बिखर जाता हूँ। हनी के बच्चे, मैं तुझे चोर नजर आता हूँ। ठोको ताली। खन्ना साहब की तरह शेर भी बोल रहा है ये चोर। अरे गधे, ये खन्ना साहब ही हैं। छोटे भाई, तूने कहा था ना वो ऑफिस गए, इसीलिए मुझे लगा चोर खन्ना साहब बनकर आया है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दी। हाय, इस हनी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। ठोको ताली भाई। मुझे तकलीफ हो रही है और तुम लोग ताली ठोक रहे हो। इती, तुम कब तक ऐसे मुंह छुपा कर घूमती रहोगी? जब तक पिंपल ठीक नहीं होता तब तक। अरे हल्दी लगाने से पिंपल ठीक हो जाते हैं। चलो किचन में। ये क्या लगा दिया तूने? हल्दी। इसमें हल्दी है नहीं, मिर्च मसाले हैं। वही मैं सोच रहा था कि हल्दी लाल कैसे हो गई। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। छुट्टी पाए, छुट्टी पाए, छोटे भाई। एक बार तोता राम की बहन को पिंपल हुआ था। हम दोनों जंगल से एक पौधे की पत्तियों का रस लाए थे, उसे लगाने से पिंपल ठीक होते हैं। तुझे पता है वो पौधा कहाँ मिलेगा? कोशक, चलो मेरे साथ। ओ
बट कितनी दूर है? बहुत दूर, कोई शक? अरे यार, अब तू चला भी नहीं जा रहा है। भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। छोटे भाई, इस बार फल टूटेगा, गुर्राने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कोई पागल सांड हूँ जो गुर्राऊंगा? एक तो पत्थर मारते हो, ऊपर से पागल कहते हो। सांड भागो! क्या बात? जोरदार, तू भी पेड़ पर चढ़ गया। जब जान खतरे में हो तो डॉगी भी पेड़ पर चढ़ जाता है सर। क्या सोच रहे हो, पेड़ पर चढ़कर बच जाओगे तुम लोग? अरे क्या बात, यहीं पर तो वो पौधे हैं। हम लौटते समय सांड को थैंक्स बोलेंगे, कितना फटाफट पहुंचा दिया। इससे पहले कि कोई मुसीबत आए, पत्ते लो और चलो। क्या बात, अब देखना किटी, कल तक तुम्हारा पिंपल बिल्कुल गायब हो जाएगा। थैंक यू पोपट। आओ किटी, ये मुंह पर फिर से कपड़ा क्यों लपेटा है? अरे मार क्यों रही हो, बैठ के बातें करते हैं ना। जाओ हवा से बातें करो। बचाओ! ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, लो वापस दिया। अरे मार क्यों रही हो? तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे किटी, छोड़ो, क्यों मार रही हो इन्हें? देखिए, मुझे पिंपल हुआ था, इन्होंने पता नहीं कौन से पत्तों का रस लगाया है, राशेस हो गए हैं। पिंपल तो ठीक हो गया ना? अरे रुको, मैं तुम्हें ऑइंटमेंट देती हूँ। इसे लगाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैडम। आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाना। सुना नहीं है, नीम हकीम खतराए जान। नीम का पेड़ और हकीम तो सुना था, ये खतराए जान कौन है? तुम चारों।